हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उस वीडियो में 9 पार्ट हो चुके हैं, ये 10वां पार्ट है फिजिक्स की रिवीजन का। बाकी एनसीआर बायो की हो चुकी है, वो एनसीआर की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके एनसीआर के लगभग 9 से 10 लेक्चर हैं। हर चैप्टर्स के 12th के हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के, या जो सीपी नेट में क्वेश्चन आते हैं, वो क्लास 12th से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैक्सिमम फोकस हमारा 12th के ऊपर है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट इन ए VLSI। VLSI में सबसे नंबर मिनिमम लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1000। तो ये डाटा आपको याद रखना चाहिए, जो है ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर डू वी गेट वेन प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ ग्रुप फाइव एलिमेंट। जब ग्रुप फाइव एलिमेंट से प्योर सिलिकॉन डोप्ड होते हैं, तो ये पूछ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन से सेमीकंडक्टर हम प्राप्त करते हैं। एन टाइप प्राप्त करते हैं, पी टाइप प्राप्त करते हैं, कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिलते हैं, या नॉन ऑफ दिस। तो इसको जो सेमीकंडक्टर मिलेंगे इसमें, वो मिलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब पाँचवें ग्रुप एलिमेंट के साथ हम सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन को डोप्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए एरोप्लेन। जब कोई बॉडी एरोप्लेन से गिरती है, देयर इज इंक्रीज इन इट्स, तो उसमें क्या इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मास इंक्रीज होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती। जो इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल दी मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ए पीरियाडिक मोशन, वो मोशन पीरियाडिक मोशन होगा, या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, या ए पीरियाडिक मोशन होगा, या ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो जो मोशन होगा वो होगा पीरियाडिक मोशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है वन बार इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10^3 या 100 पास्कल, या 10^5 पास्कल, या 10^4 पास्कल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा 10^5 पास्कल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सपेंडेड एज, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो एक्सपेंड करती है ग्राम में, किलोग्राम में, परसेंट में, या रेशियो में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, परसेंटेज में। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इमिटेंस होता, उसकी SI यूनिट पूछ रहा है क्या है। लक्स है, कैंडेला है, कि ल्यूमेन है, कि ल्यूमेन सेकंड है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन होगा ए, LUX। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नेट फोर्स इज ज़ीरो, जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा, विच ऑफ दीज विल बी कॉन्स्टेंट। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट होगा, फोर्स कॉन्स्टेंट होगा, कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप दैट हैज़ नो लेंस, ए माइक्रोस्कोप दैट हैज़ वन लेंस। माइक्रोस्कोप जिसके पास एक लेंस होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप को कौन खोजा था इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, GK में आ जाता है। ए माइक्रोस्कोप दैट हैज़ टू सेट्स ऑफ लेंस, एन ऑक्युलर लेंस एंड एन आई पीस। ए माइक्रोस्कोप हुज लेंस आर कॉन्केव, ए माइक्रोस्कोप हुज लेंस आर कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए माइक्रोस्कोप दैट हैज़ टू सेट्स ऑफ लेंस, एन ऑक्युलर लेंस एंड एन आई पीस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज, मतलब मिनिमम कितने डिस्टेंस पे जो है लीस्ट विजन होता है, तो 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। जो मायोपिया के केस होते हैं उसमें 25 सेंटीमीटर तक दिखता है, 25 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता है। लेकिन जो हाइपर मायोपिया केस होते हैं उसमें जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक जो है नहीं दिखता है, बाकी उसके बाद उनको क्लियर दिखता है। तो उसमें जो लेंस यूज होता है हाइपरमायोपिया, इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों यूज होता है, लेकिन जो मायोपिया केस होते हैं उसमें सिर्फ कॉनकेव यूज होता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइंस ए पुश आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब किसी चीज़ को पुश और पुल करना उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रेशर, ग्रेविटेशन फोर्स या फ्रिक्शन? फोर्स बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूटन। द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज हैमरिंग ए मैग्नेट, हीटिंग ए मैग्नेट, पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट, पासिंग अल्टरनेटिव करंट थ्रू इट। द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट, मतलब उससे डायरेक्ट करंट को पास करेंगे तो जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट में पूछ रहा है, तो डायोड होगा कि ट्रायोड होगा, ट्रांसफार्मर होगा कि ट्रांजिस्टर होगा, 45 का ऑप्शन सी होगा, ट्रांसफार्मर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड आउट इन लिविंग सेल थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी या ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस, इसमें पूछ रहा है कि कौन होगा जो सपोर्ट करेगा पार्टिकल ऑफ नेचर को फोटॉन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और TIR जो होता है, बाकी सोच रहे हैं कि हम जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बता दें, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर कहें तो थोड़ा अलग होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बता दें, क्योंकि ये सही होगा, अगर मान लीजिए उस पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा हमारी तरफ से तो आप लोग एक बार देख लेंगे सरसरी निगार से तो सही हो जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, अभी आज वीडियो अगर बनाएंगे तो हम लिख कर जो है तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो है, तो आप लोग उतना पढ़ लीजिए तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बाकी तो पढ़ ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म ऑफ हीट बजट, तो इसे पूछ रहा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर बाई मॉलिकुलर एक्टिविटी, या इट इज़ ए बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन, इनकमिंग आउट रेडिएशन का बैलेंस है, या इट इज़ ए रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच द सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउट रेडिएशन, मतलब इनकमिंग जो रेडिएशन जितनी आ रही और रेडिएशन जितनी जा रही हो वापस, तो ये बैलेंस बना रहा है, जैसे अर्थ पे जितनी जितनी लाइट पड़ रही है वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है, अगर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए तो अर्थ ही जो है बर्न हो जाएगा, इसलिए जो है जितना आया उतना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन इज, जो रिवर्स इफेक्ट है एक्सरे इमिशन का वो रामा इफेक्ट है, कॉम्प्टन इफेक्ट है, ज़ेमा इफेक्ट है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चंस रहे, टोटल क्वेश्चंस उस वीडियो में करवाए थे, इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी वीडियो शाम को इंपॉर्टेंट चैप्टर के अपलोड कर दें जो है, बाकी क्वेश्चंस होते रहेंगे, और NCERT जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, NCERT कंप्लीट रिवीजन के नाम से बायो हम करवाए हुए हैं, वो बहुत अच्छी सीरीज हमारे हिसाब से है, अगर जहाँ तक उसको हम देख रहे हैं, बाकी तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, जो स्टूडेंट रिव्यू दिए हैं या जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उस प्रकार से हम बता रहे हैं, अच्छी सीरीज है, काफ़ी स्टूडेंट ने देखा था 2021 में और सिलेक्शन भी बहुत का हुआ है, और बाकी आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी हैं चैनल पर आप जाके देख सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्प मिलेंगी, बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जय।